नहीं देते तो किसी और के नाम से नहीं देते, अपनी बेटी के नाम से दे दो, पर आपको ये भूत भरकर लेके जाने पड़ेंगे। अगर आपने अपने 4 साल हमारे साथ ठीक ठीक गुजारने, भाई मेरा तबादला नहीं होगा 4 साल, मैंने तो लड़ लड़ा लिया जो करना था, मेरा तो हो गया भाई, 4 साल बाद देखेंगे। मेरी आपसे इल्तिजा है, आपने कल ईद मुबारक की है, 4 दिन बाद रामनवमी है, हम लोग आपके बीच में आए हैं, मेरे बड़े भाई आपके बीच में है, जो काम आपका एक विधायक होने के नाते मैं ना कर पड़ी, आपका सांसद होने के नाते करेगा। और वो दिन भूल जाओ जब कहते थे कि जी सांसद बनता है तो बयाना बयाना देख लेता है, कामा किसी ने नहीं देखा, कामा के दिन बदल गए हैं, ये दिशा तस्वीर तकदीर बदलने आए थे वो बदल गई है। हम बैठे आज भी हाथ पकड़ के लेके आए, जिस दिन काम की जरूरत पड़ गई उस दिन भी हाथ पकड़ के लेकर आएंगे, वो वक्त छोड़ दो, पता लगना चाहिए बीजेपी वोट मांगने आई है, पता लगना चाहिए। आप सभी से इल्तिजा है, मेरे बुजुर्गों से, मेरे बड़े भाइयों से, मेरी माओ से, ये कमल के बटन पे करंट ना लग रहा भाई, ये कहीं ना जा रहे, कोई गलत फहमी हो तो निकाल देना, ये कहीं ना जा रहे हैं, ये यहीं रहने वाले हैं, करंट नहीं लगना चाहिए, भर के इस बार बीजेपी को वोट देकर यहां से राम स्वरूप जी को जिता कर भेजिए। आप सभी का इतनी सारे मौजूदा साथीगण खड़े हैं, राम स्वरूप जी आज आपको एक बात बता दूं, ये मंच पूरा उतर गया ना जो खड़ा है, आपको कामा से लीड दिलाने में कोई देरी नहीं कर सकता, ये मंच पूरा उतर गया तो ये जो मंच खड़ा है ये पूरे इलाके की क्रीम खड़ी है, 36 बिरादरी की क्रीम खड़ी है, भाई तुम पूरे उतर जाओ हैं अगर काम लेना है तो, और बाकी हम आपके मदद के लिए बैठे, राम स्वरूप जी मदद के लिए बैठे। मैं अब ज्यादा ना बोलते हुए राम स्वरूप जी को माइक दूंगी, एक बार बड़े दिल से आपसे रूबरू होंगे। बहन यहाँ की विधायक आदरणीय नोकशम चौधरी जी भी आज आपके समक्ष विराजी हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। हमारे जिले के पदाधिकारी गण, भाई निहाल जी, शफीक खान जी, अली जी, विपुल जी, उपस्थित जितने भी हमारे मेरे सामने बैठे हैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। बंधुओं मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये लोकतंत्र का महायज्ञ है, इस महायज्ञ में आप वोट के रूप में आहुति डालेंगे और वोट के रूप में आहुति डालते हुए राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हुए, देश हित को सर्वोपरि मानते हुए, इस देश को जो विकास की ओर अग्रसर ले जा रहे हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके हाथ मजबूत करने के लिए आप हमारे राम स्वरूप जी कोहली को भारी से भारी मतों से विजयी होना करके यहाँ से जिता करके भेजेंगे, ऐसे आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। बंधुओं मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आप सबको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है, अनेक सारी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो पीएम विश्वकर्मा योजना हो, चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अभियान हो, ऐसी अनेक सारी योजनाएं, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि ये जो योजनाएं हैं हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है, किसी जाति विशेष को देख करके काम नहीं करती, किसी धर्म विशेष को देख करके काम नहीं करती, वो इस देश में प्रत्येक समुदाय के लिए, प्रत्येक जाति और धर्म को समान मानते हुए उनके विकास के लिए काम करती है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए भारी से भारी मतों से आप हमारे प्रत्याशी आदरणीय राम स्वरूप जी कोहली को यहाँ से जिता करके भेजेंगे, इतना आग्रह करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।